हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता सिंह ऑल इन वन। तो आज है नौमी और नवरात्रि का आज नौमी है, कन्या पूजन है, तो मैं उसी का रेडी कर रही हूँ। टाइम अभी शायद 5:30 या 6 बज रहा होगा सुबह का, और मेरा खीर चढ़ा हुआ है और इधर मैं आटा सान रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ पूड़ी भी बनाना था भोग के लिए। तो और खीर बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं तब तक पाठ कर लेती हूँ। और ये पाठ खत्म कर देने के बाद मैं किचन में आ गई और यहाँ मैंने पूरी भी बना लिया है भोग के लिए और हवन के लिए। और यहाँ पे पति देव दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम माता रानी का भोग का थाली लगा रहे हैं और हम तीनों माता रानी का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में फिर हम आरती हवन और कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश और लड्डू गोपाल को भी भोग लगा रहे हैं। आरती की तैयारी कर रही हूँ, आरती करूँगी। और अब मैं खोइछा दे रही हूँ माँ का, और ये क्षण बहुत मेरे लिए भावुक हो गया था, पता नहीं क्यों इस बार, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के जल्दी पूजा करना, 7:30 तक मेरा आरती हो जाता था क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट
मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी, सॉरी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी, तो मुझे उनके जाने से पहले पूजा करना था, क्योंकि उनको भी पूजा और आरती करनी रहती थी, इसी वजह से मैं सुबह ही पूजा कर लेती थी। तो रोज़ एक हो गया था माँ से कि हाँ, ऐसे तो माँ मेरे घर में ही है, रोज़ पूजा करना ही है, लेकिन नवरात्रि की बात अलग थी। बहुत भावुक क्षण था मेरे लिए और शायद सबके लिए होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस यूं ही बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, रियल में क्योंकि माँ ही है जिसे मैं अपना मन का बात कहती हूँ। मुझे कोई भी दुख होता है, कोई भी पास बैठ के थोड़ी देर माँ से बात करती हूँ और उसके बाद मुझे अच्छा फील होने लगता है। और अब मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा बीच से प्लस नहीं करते, मतलब नहीं काटते, तो वही मैं उसको बता रही हूँ कि मैंने कट करके नहीं बनाया है, मैंने उसे अलग तरीके से बनाया है, तो वही वो देखता है और देख के वो भी सीखता है ये सब चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे साथ मेरी हेल्प भी करता है। बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे थोड़ी बहुत हर चीज़ आनी चाहिए। और यहाँ पे जनाब हवन को मिक्स कर रहे हैं, जो हुमाद है उसको मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्वांटिटी पता है कैसे करना है। और यहाँ पे मैं हवन के लिए खीर पूड़ी और कसैली सुपारी लेके आई हूँ, क्योंकि जब घर में हवन कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नारियल की जगह आप सुपारी यूज़ कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चरंगाय भुजे नर्जन स्वाहा, ओम एहीं क्लीं चमुदाय भुजे नमः स्वाहा, ओम एहीं क्लीं चमुदाय भुजे नमः स्वाहा, ओम एहीं क्लीं चमुदाय भुजे नमः स्वाहा, ओम एहीं क्लीं और पतिदेव पूरा बुरी तरह से भीग गए थे, क्योंकि कन्या को लाने जाना था उनको। और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरे कपड़ा सिलाई करती हूँ, मेरी फ्रेंड भी है हाँ उनको, क्योंकि उन्होंने मतलब सारी कन्याओं को बोल के रखा था और वो ले के भी आई थी, इसलिए थैंक यू। हस्बैंड भी गए थे लाने, लेकिन साथ में वो आई थी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस कन्या पूजन में दिया है, इसीलिए मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी मैंने इस चाह कि थोड़ा सा तो कैप्चर हो जाए, जिसको मैं इसमें ऐड कर दूं। और थोड़ा सा जगह के लिए भी मेरा कंजेस्टेड हो गया था, क्योंकि बारिश होने लगा और ये मेरे हस्बैंड उधर चले गए थे, तो मैंने सोफ़ा ओफा कुछ हटाया नहीं था, फिर भी मैंने उसी में कर दिया। आपके मन में दिल में जगह होनी चाहिए, घर में जगह हो या ना हो, पूजा श्रद्धा से होनी चाहिए। कुछ अप एंड डाउन हुआ हो तो आप क्षमा याचना कर लीजिए, और कोई भी चीज़ आप मन में नहीं रखिए कि मैंने ये गलती कर दिया वो गलती कर दिया, क्योंकि ये संसार के रचयिता खुद भगवान है, तो उनके राजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो मन में कुछ नहीं रखिए, बिंदास पूजा कीजिए, एकदम खुशी से झूम जाइए पूजा करने में। जय अम्बे माँ।
यहाँ पे बच्चियाँ बहुत खुश थी और साथ में मैं भी खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं नए जगह पे शिफ्ट थी तो मुझे इतनी लड़कियाँ, 9 लड़कियाँ मिलेंगी मैंने नहीं सोचा था। मैंने बाद में सोचा अगर 5 भी मिल जाती है तो 4 को मैं डबल कर दूँगी और 9 की जो भी पूजा विधि होती है मैं उनके साथ डबल करने के बाद कर लूँगी। लेकिन मुझे टोटल 10 लड़की मिली थी, जिन्हें मैंने 9 को पूजा में रखा और 1 को मैंने साइड में रखा, क्योंकि 9 कन्या पूजन करना था मुझे, और मैंने 9 को किया और 1 को मैंने बाद में प्रसाद दे दिया, और जो भी दान दक्षिणा था मैंने उसे साइड में एज ए गिफ्ट दे दिया ताकि उसे बुरा ना लगे, और बाकी मैंने 9 को पूजा में रखा। और यहाँ पे हम लोग हम बच्चों को दक्षिणा दे रहे हैं जो भी उनका गिफ्ट है। और ये छुटकी अपना प्लेट नहीं ले रही है, प्लेट मैंने प्लेट में खिलाया नहीं, मैंने बाद में प्लेट दिया, क्योंकि फिर वो प्लेट मतलब जूठा हो जाता है, फिर धोने जाओ तो मिक्स हो जाता है कौन किसका है, इस वजह से मैं प्लेट में प्रसाद करके दे रही हूँ, ये मुझे सही लगा। साड़ी का टीका फैल गया था तो वही मैं साफ कर रही थी। ओके।